हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। सनवेव्स टोकन की माइनिंग आप सब अगर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आपने अगर आइस नेटवर्क में कुछ गलती की थी तो यहाँ पे ना दोहराएं। यहाँ पे गाइस आपको स्टैट्स वगैरह आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, कितने यूज़र एक्टिव हैं, कितने टोकन माइनिंग हो चुके हैं और क्या क्या इन द फ्यूचर यहाँ पर वेरिफिकेशन आ सकती है। सेकेंड थिंग है, यहाँ पे कब विड्रॉल मिलने वाला है, ये बहुत सारे यूज़र के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके साथ ही रिगार्डिंग KYC कैसे कंप्लीट करना है, अभी तक बहुत यूज़र को नहीं पता है। उसके साथ ही वेरीफाइड टिक कैसे आता है, वो भी अभी तक नहीं पता है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि सब सवालों के जवाब आपके इस वीडियो के अंदर ही आपको मिलने वाले हैं। और कैसे अपनी माइनिंग स्पीड इंक्रीज़ करें, उसके साथ ही कैसे हम अपनी स्ट्रीक वगैरह मेंटेन करें, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो पे अपना एक लाइक ज़रूर करते जाएं। हे गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है, सनवेव्स टोकन की माइनिंग पावर्ड बाय है आइस नेटवर्क। तो जो भी इसमें वेरिफिकेशन आएगी वो आइस नेटवर्क में जो था वही सेम टू सेम इसके अंदर आने वाला है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप यहाँ पे चेकआउट करो, इनके ट्विटर हैंडल के अंदर 890K यूज़र हो चुके हैं, जो 8,90,000 यूज़र हैं। जितना बड़ी कम्युनिटी होगी उतना बड़ा प्रॉफिट होता है, और आइस नेटवर्क के अंदर इतने कम्युनिटी बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगा था, बट सनवेव्स ने बहुत ही फास्ट से इतनी कम्युनिटी बिल्ट कर चुके हैं। तो जैसे कि आप सबको ये भी पता है कि सनवेव्स टोकन को माइनिंग करने के लिए आपको एक गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे आप आइस नेटवर्क में करते थे। बट सिर्फ ऐसा नहीं है, सनवेव्स को माइनिंग करने के लिए इन टोकन को आप अपने टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी आप इस ऐप से माइनिंग कर सकते हो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है, जो लास्ट वीडियो आपको बताई थी, क्योंकि टैप टोकन के प्रोजेक्ट इतने सारे आ रहे थे मार्केट में, इसकी वजह से जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब टेलीग्राम के अंदर भी आपको अवेलेबल करके दे रहे हैं माइनिंग का कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। बहुत यूज़र के ये क्वेश्चन आते हैं कि जो हमने यहाँ पे टोकन वगैरह माइनिंग करके रखे हुए हैं, ये टोकन हमको कब विड्रॉल करने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि ये जो टोकन हम कर रहे हैं वो इधर ब्लॉकचेन के अंदर कब आएंगे, क्योंकि हम जो माइनिंग कर रहे हैं वो वॉलेट के अंदर आ रहे हैं। तो इन सब के लिए आपको एक क्लियर फैक्ट बता देता हूँ गाइस, क्रिप्टो के अंदर हम माइनिंग जो करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आपने कल प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया और आपको आज ही आज एड्रॉप मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। यहाँ पे आपको कभी कभी 6 महीना 1 साल तक वेट करना पड़ता है। जाके एक बार पाई नेटवर्क के यूज़र से पूछो, अभी तक 3 से 4 साल से माइनिंग कर रहे हैं, अभी तक टोकन लिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सीनेरियो नहीं होगा, क्योंकि आइस नेटवर्क का टोकन ऑलरेडी लिस्ट हो चुका था 1 ईयर के अंदर, तो ये भी जल्द से जल्द लिस्ट होगा और आपको बेनिफिट देगा। अभी यहाँ पर एक जो सेक्शन आपको ये नज़र आ रहा है वॉलेट और ब्लॉकचेन का, तो यहाँ पे दिया वॉलेट के अंदर जो भी आपके टोकन हैं वो अपडेट होते हैं पर डे, एवरी डे के अंदर जो आपके माइनिंग होते हैं, और जो ब्लॉकचेन के अंदर है वो अपडेट होंगे एवरी 28 डेज, मीन्स एवरी मंथ में जितने टोकन आप इकट्ठा करें वो तब जाके ब्लॉकचेन के अंदर आएंगे आपके वॉलेट के थ्रू। आपको कोई सेंड करने की ज़रूरत नहीं, ये सब शायद ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा फैक्ट जो यूज़र का क्वेश्चन था कि यहाँ पे रिगार्डिंग KYC और वेरीफाइड टिक, जब आप KYC कंप्लीट करते हो तभी आपको यहाँ पे आता है वेरीफाइड टिक, ठीक है। और इसको आप कैसे चेकआउट कर सकते हो, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे देखो जो टिक का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो KYC वेरीफाइड करके लिखा हुआ आ गया। इसका मीनिंग आप वेरीफाइड हो करके आपकी KYC हो चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इन द फ्यूचर और भी इनकी वेरिफिकेशन नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। इनके अंदर और भी वेरिफिकेशन इन द फ्यूचर आ सकते हैं, जैसे क्विज़ के आंसर दो या फिर अलग चीज़ ट्विटर के अंदर वगैरह, ऐसे चीज़ें आ सकती है अगर आप आइस नेटवर्क के अंदर माइनिंग किया था, तो वैसे इसके अंदर भी प्रोसेस हो सकता है। अभी मेन गलतियाँ आप कौन सी नहीं करनी है वो समझ लो। जैसे आइस नेटवर्क के अंदर जब KYC कंप्लीट हो चुकी थी, फिर से आ गई थी क्विज़ की KYC, तो आप सबने क्या क्या गड़बड़ी में खुद के आंसर देने के बहुत बार गलतियाँ की, उसमें गलत आंसर दे चुके, तो उसकी वजह से आपने इतने टाइम से माइनिंग किया फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं मिला, और बहुत यूज़र हमारे वीडियो को फॉलो किया उनको प्रॉफिट हुआ है। तो आप सबको इन सब गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उनको दोहराना है, ठीक है। अभी KYC कैसे होती है, वेरीफाइड टिक कैसे आता है आपको नहीं पता,
ये वाली वीडियो देख सकते हो जो KYC के करके लिखा रहेगा, जिसके अंदर अच्छे खासे व्यूज आए। उसके साथ ही एक ये वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने टिक मार कैसे आता है करके उसके बारे में भी बताया, जाके ज़रूर चेकआउट करो, आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है इन दोनों वीडियो के थ्रू। तो KYC की बात हो गई, तो अभी यहाँ पे एक और चीज़ रहती है। आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दिया रहेगा, जब आप होम पेज के अंदर आते हो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तब यहाँ पे आपको स्ट्रीक और डेज ऑफ नज़र आते हैं। ये क्या है भला और ये कैसे हमको मिलता है? स्ट्रीक मीन्स क्या है, आपकी जो माइनिंग यहाँ पे आपकी, देखो माइनिंग कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपकी माइनिंग हो रही है 1 day 20 hours के लिए होगी। तो ये कंप्लीट होने से पहले आपको ये वाला जो माइनिंग वाला सेक्शन है इसको होल्ड करके रखना है 1 से 2 सेकंड के लिए, फिर छोड़ना है जब ये येल्लो कलर का होता है, ठीक है। तो होल्ड करके छोड़ोगे माइनिंग से पहले, एंड होने से पहले, तब जाके आपकी स्ट्रीक मेंटेन होगी। डेज ऑफ मतलब क्या है कि आप अगर स्ट्रीक मेंटेन करते हो तो आपको डेज ऑफ मिलते हैं। डेज ऑफ मिलने से क्या होता है, आप 1-2 दिन भूल भी जाते हो माइनिंग करना, फिर भी आपका स्लैशिंग वगैरह नहीं होता है, ठीक है, टोकन मीन्स डिक्रीज नहीं होता है। अभी यहाँ पे एक और है स्टैट्स करके, इसके ऊपर आप जाके चेकआउट करोगे स्टैट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, क्या है गाइस, यहाँ पे 90 डेज़ के अंदर यहाँ पे टोटल यूज़र्स कितने ग्रोथ हुए हैं। आप यहाँ पे इनिशियली जब मैंने वीडियो दी थी आप देख सकते हो सिर्फ 2 लाख के 3 लाख यूज़र थे, उससे पहले तो 8 ही यूज़र थे। उसके बाद अभी यहाँ पे 3.4 मिलियन के यूज़र हैं, बट यहाँ पे एक्टिव यूज़र कितने हैं, सिर्फ 1.5 मिलियन। तो आप ये भी समझो, कोई भी प्रोजेक्ट अपना प्रोडक्ट लेके आता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल उसके अंदर लॉगिन करके छोड़ दो, तो मतलब ही क्या हुआ, वो आपको एड्रॉप देगा ही क्यों, आपको वहाँ पे एक्टिव बन के एक्टिव यूज़र में आना है। यहाँ पे देखो इनएक्टिव 50% तो पहले से ही है, तो ये इनएलिजिबल हो जाएंगे जब एड्रॉप होगा तब। इसलिए बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे एक्टिव बन के माइनिंग करना है, सिंपल एक ही बार तो टैप करना है 24 आवर्स के अंदर आके। सेकेंड, यहाँ पे टोटल कॉइन्स अभी तक कितने माइनिंग हुए हैं, यहाँ पे टोटल हम 90 डेज तक जाके चेकआउट करते हैं, रियल तो 30 डेज है, फिर भी ओवरऑल चेकआउट करते हैं, तो 11.94 बिलियन के टोकन यहाँ पे माइनिंग हो चुके हैं इनके कॉइन, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं माइनिंग। अभी यहाँ पे और भी माइनिंग होने वाला है, ये शायद 6 मंथ या 1 साल तक चलेगा और आपको तब जाके प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो एक मेथड मैंने बताया है KYC वाली वीडियो के अंदर, और एक और मेथड आप किसी यूज़र को रेफ़र करते हो उससे भी आपकी अभी स्पीड बढ़ती है, पहले नहीं बढ़ती थी। अब तो इनकी एक लेटेस्ट ट्वीट आई थी, इसके अंदर आप आके चेकआउट कर सकते हो गाइस, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि आप 25 यूज़र तक रेफ़र कर सकते हो और 500 SW टोकन पर रेफ़र पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी लेटेस्ट ट्वीट में इन्होंने ये चीज़ें मैंशन की है। और सेकेंड है 125% का बूस्टर, वो आपको कैसे मिलता है, तो वो गाइस क्या था कि आपको इनिशियली यहाँ पे बूस्ट करना था कैसे, आइस टोकन को पे करके तब जाके 125% का आपको बूस्टर मिल रहा था। इसके बारे में मैंने बताया था, आप चाहे तो करो नहीं करो, क्योंकि जो अफोर्ड कर पाता वही करो, जो नहीं कर पाता है फ्री ऑफ कॉस्ट की माइनिंग करो, आपके जितने टोकन मिल रहे हैं बनने दो, ठीक है। तो ये वाला भी यहाँ पर सिनेरियो है। और यहाँ पर देखो इन्होंने कि आइस नेटवर्क कहाँ कहाँ पे लिस्ट किया, आप देख लो, OKX, KuCoin, जितने एक्सचेंज है मोस्टली सब एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, लिविंग, बाइनेंस के अंदर लिस्ट नहीं हुआ है। तो ये भी सनवेस कट होगा, इन सब एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाएगा और प्राइस भी वही रहेगी 0.005 अकॉर्डिंग टू टोटल सप्लाई कितनी रहेगी टोकन की, उस बेसिस पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो बस गाइस यही थी वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी, शेयर की। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।